तो आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है? ये आवेश का एक मूल गुण है, ठीक है। आवेश का अगर कोई गुण पूछे तो आप बताएंगे कि आवेश का क्वांटीकरण आवेश का एक मूल गुण है, ठीक है। अब ये किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा कितनी होगी, अगर मैं बोलूं कि किसी भी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कितनी हो सकती है, तो क्या बोलेंगे आप, है ना। जैसे मैंने बोला कि आपके जेब में न्यूनतम रुपए कितने हो सकते हैं, क्या बताएंगे आप, बोलिए। आपके जेब में न्यूनतम रुपए कितने हो सकते हैं, अधिकतम कितने हो सकते हैं तो चलो ठीक है, वो बाद में सोचेंगे, न्यूनतम कितने हो सकते हैं, कम से कम नहीं है आंसर किसी के पास, हाँ अभी खाली है, लेकिन मान के चलो हो तो कितने हो सकते हैं, हाँ एक रुपए है ना, कितने हो सकते हैं एक रुपए, तो न्यूनतम रुपए कितने होंगे, यानी किसी के पास में कम से कम एक रुपए हो सकते हैं, उससे कम नहीं हो सकते क्योंकि 50 पैसे आजकल चल नहीं रहा है ना, तो न्यूनतम रुपए कितने होंगे एक। वैसे ही किसी भी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कितनी हो सकती है, अधिकतम पर भी चर्चा करेंगे हम कितना हो सकता है, लेकिन न्यूनतम कितना होगा, तो किसी भी वस्तु पर न्यूनतम आवेश की मात्रा जो होती है वो एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा के बराबर होती है, ठीक है। यानी किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश कितना होगा, न्यूनतम आवेश कितना होगा, तो वो होगा एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा के बराबर होगा। भाई तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश समान ही होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6×10^-19 और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो होता है +1.6×10^-19 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा समान होती है, बस अंतर कहां पर है, पॉजिटिव और नेगेटिव पर अंतर है, ठीक है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश है इसलिए -1.6×10^-19 प्रोटॉन पर पॉजिटिव है तो इसलिए +1.6×10^-19 हिंदी वालों के लिए 1.6×10^-19 राइट। तो किसी भी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कितनी होगी, तो वो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा या एक प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा के बराबर होगी। इस न्यूनतम आवेश को, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है या एक प्रोटॉन पर जितना आवेश होता है, इसको हम मूल आवेश कहते हैं। कौन सा आवेश कहते हैं इसको हम, क्या नाम है इसका, मूल आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसको हम मूल आवेश कहते हैं, याद रखिए। ये विकल्प में भी पूछा गया है इसके पहले, और पूछता है मूल आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसको मूल आवेश कहते हैं, न्यूनतम आवेश को, ठीक। अच्छा अब बात आ रही कि ठीक है न्यूनतम आवेश तो हो गया सर, कि बोले कम से कम कितने होंगे, तो कम से कम तो इतना आवेश होना चाहिए किसी भी वस्तु पर, न्यूनतम आवेश या तो होगा ही नहीं, आवेश ही नहीं होगा उस पर, अनावेशित होगी वो वस्तु, या तो होगा तो कम से कम कितना होगा, इतना आवेश या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। कम से कम की तो बात कर ली, उस कम से कम आवेश को हमने मूल आवेश कहा, तो फिर अधिकतम आवेश कितना होगा, उससे ज्यादा आवेश की हम बात करें तो आवेश कितना होगा, तो किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज की क्या होता है, बराबर होता है। Q=+-Ne, जहां n=1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, अप टू, मतलब n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा का एक गुना होगा, यानी कि Q=n=1 करोगे तो 1e होगा, 2e होगा, 3e होगा, 4e होगा, किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा एक
इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा क्या, और ई क्या है, एन बराबर तो आप लिख दिया, एन इज इक्वल टू आप लिख दिया इतना, और ई क्या है, तो ई ए है 1.6 × 10⁻¹⁹ प्लस माइनस, अगर धनात्मक है तो प्लस आएगा, ऋणात्मक आएगा तो माइनस आएगा, ठीक है। तो E इज इक्वल टू आ गया 1.6 × 10⁻¹⁹, यानी कि इस E मतलब 1.6×10⁻¹⁹ की घात कूलाम का एक गुना हो आवेश, या दो गुना हो, या तीन गुना हो, या चार गुना हो, पूर्ण गुणज, पूर्ण गुणज, यानी कि इस E के साथ में गुणा जो होना चाहिए पूर्ण संख्या का होना चाहिए, एक का होना चाहिए, दो का होना चाहिए, तीन का होना चाहिए, चार का होना चाहिए, पांच का होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब होना कैसा चाहिए, Q इज इक्वल टू या तो E हो, 2E हो, 3E हो, 4E हो, 5E हो, और जितना होना चाहिए 100E हो, जितना होना चाहिए हो सकता है, ऐसा, ये सही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि E by 2 हो, 3E by 2 हो, 5E by 2 हो, 7E by 2 हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटा बच्चा देखे हो आप लोगों ने, है ना, छोटे बच्चे को आप बिस्किट तोड़ के दीजिए, रखता है क्या वो, हाँ, छोटा बच्चा जब बिस्किट की मांग करता है आप उसको टुकड़े में देके देखिए, एक बिस्किट तोड़ के देखिए, वही टुकड़ा तुमको फेंक के मारेगा वो, बोला पूरा पूरा होना चाहिए, है ना, हमारे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसको, सग्गा सग्गा होना चाहिए, या तो एक या दो, जितने भी दे रहे हो छोटा बच्चा ऐसे, वो जितने दे रहे हो ध्यान रखना पूरे पूरे, है ना, सग्गा सग्गा, सगा होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं, डेढ़ ढाई पौने तीन साढ़े चार पौने पाँच नहीं होना चाहिए ऐसा, ठीक है। ये बिस्किट का पैकेट भी दे रहे तो फूटा नहीं होना चाहिए उसको, पूरा बिस्किट का पैकेट पूरा का पूरा पैक होना चाहिए, उसमें से एक बिस्किट भी कम नहीं होना चाहिए, होता है कि नहीं होता बताइए ऐसा। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि जिस प्रकार से एक छोटे बच्चे को समझ में आता है कि उसको टुकड़े वाला बिस्किट नहीं चाहिए, भाई देना है तो एक दो, देना है तो पूरे पूरे दो दो, देना है तो पूरे पूरे तीन दो, चार दो, पाँच दो, सौ बिस्किट दे दो, लेकिन मेरे को टुकड़ों में नहीं चाहिए, वो छोटे बच्चे को मालूम है अगर टुकड़ों में दिए तो वो बिस्किट फेंक के मारेगा तुमको, बोले तू ही खा ले मेरे को नहीं खाना है, ठीक है। या पैकेट दे रहे हो तो पैकेट के साथ भी वैसे करता, फूटा नहीं चाहिए, दे रहा है तो पूरा एक पैकेट पूरा दे, या पूरा दूसरा पैकेट, आधा नहीं खाऊंगा, दिमाग खराब हो जाता बच्चे का, बस यहाँ पर भी वैसी कहानी है, यहाँ पर भी आवेश का दिमाग खराब हो जाता है। किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा या तो ई होगी या उसकी दोगुनी होगी ई प्लस ई, या तीन गुनी होगी ई प्लस ई, मतलब तीन इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होगा उतना आवेश होगा, ऐसा आवेश होगा ई टू ई थ्री फोर ई फाइव हंड्रेड ई एक लाख ई एक करोड़ ई इतना होगा, लेकिन ये ऐसा ई बाई टू आधा डेढ़ ढाई पौने तीन साढ़े चार पौने पाँच ऐसा आवेश नहीं होगा किसी भी वस्तु पर। यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का आधा, आधे इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा संभव नहीं है, यह आधा नहीं होना चाहिए, डेढ़ नहीं होना चाहिए, साढ़े ढाई नहीं होना चाहिए, पौने चार नहीं होना चाहिए, पौने पाँच नहीं होना चाहिए, ऐसा आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, डेढ़ ढाई साढ़े तीन पौने चार पौने पाँच, है ना, साढ़े सात, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण, मतलब किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा को अनिश्चित रूप में विभाजित नहीं कर सकता, अनिश्चित, ये अनिश्चित है, निश्चित रूप में विभाजित करेंगे आप, ये निश्चित रूप में विभाजित किया आपने, निश्चित रूप, और ये कैसा है, ये कैसा है, अनिश्चित रूप, यानी ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, जो राइट लगाया हो मतलब ऐसा होना चाहिए, क्रॉस लगाया हो मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा को अनिश्चित रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता, आवेश के इस गुण को ही क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। आई बात समझ में, ठीक है, पूर्ण गुणज होना चाहिए और अनिश्चित रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, इसको कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। अब मैं फिर से शुरुआत करता हूँ, है ना, लिखना क्या है अपने को, ये तो हमने समझ लिया रफली कि आखिर हम करना क्या था, बात समझ में आ रही है या सर नो, बोलिए,
बात पकड़ में आ रही है। तीन चरणों में मैं बात को खत्म करूंगा। आवेश का क्वांटिकरण, मैंने शुरुआत मैंने बोला कि किसी वस्तु पर कम से कम आवेश की मात्रा कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम आवेश की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो हमने बोले कि एक इलेक्ट्रॉन पर या एक प्रोटॉन पर जितनी आवेश की मात्रा होती है उतनी मात्रा होनी चाहिए। तो फिर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, या एक प्रोटॉन पर आवेश उतना ही होता है, बस पॉजिटिव होता है। और इस न्यूनतम आवेश को हम क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आवेश को ही क्या कहते हैं, हम मूल आवेश कहते हैं। ठीक है, न्यूनतम की बात हो गई, तो भैया अधिकतम कितना होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, उसका रूप क्या होना चाहिए। तो किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा, किसी वस्तु पर आवेश की जो मात्रा है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज, मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा जो होगी उसके साथ में गुणा कितने का होगा, पूर्ण संख्या का होगा, 1, 2, 3, 4, 5 का होगा। यानी कि ई के साथ 1 का गुणा होगा या 2 का होगा या 3 का होगा या 4 का होगा, ऐसा आधा, डेढ़, ढाई, पौने तीन, साढ़े चार नहीं होगा। यानी कि आप किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा को अनिश्चित रूप में विभाजित नहीं कर सकते। इस अनिश्चित रूप में विभाजित नहीं करने का गुण ही क्या कहलाता है, आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। आई बात समझ में सभी के, लिखना क्या है, जब किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा के बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश को, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है, किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज के बराबर होती है, अर्थात Q = ±Ne, जहाँ n = 1, 2, 3, 4, 5, दैट इज इंटीजर, एंड E = 1.6 × 10⁻¹⁹। इसका अर्थ यह है कि किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा E, 2E, 3E, 4E, 5E, 100E निश्चित रूप में है ना, इस रूप में हो सकता है, ना कि E/2, 3E/2, 5E/2, 7E/2। इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा को अनिश्चित रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता। आवेश के इस गुण को क्या कहते हैं, हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक है, यह हुआ आवेश का क्वांटीकरण।